हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक चौहान। दोस्तों, मैं आपके सामने दो सेंटेंसेस पूछता हूँ, आप बताइएगा वो दोनों सेंटेंसेस में से कौन सा सही है और क्यों सही है। उसके बाद में मैं रीज़न बताऊँगा कि हमें कौन सा सेंटेंस इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत बढ़िया है, ध्यान देंगे, आखिर तक बने रहें। जैसे मान लो आपको कोई कंपनी ईमेल भेजने वाली थी और आपको ईमेल नहीं भेजा, तो आपके पास दो सवाल होते हैं, दो सेंटेंसेस होते हैं आपको ईमेल नहीं मिलने के बारे में बोलने के लिए। एक सवाल है कि आप कंपनी से क्वेश्चन करेंगे, आप कंपनी से कहेंगे यू डिड नॉट सेंड मी एनी ईमेल टिल नाउ, यू डिड नॉट सेंड मी एनी ईमेल टिल नाउ, तुमने मुझे अभी तक कोई ईमेल नहीं भेजा, तुमने मुझे अभी तक कोई ईमेल नहीं भेजा। और दूसरा है आई डिड नॉट गेट एनी ईमेल टिल नाउ, या फिर आई डिड नॉट रिसीव एनी ईमेल टिल नाउ। ये दोनों, इसका मतलब ये हुआ कि मैंने अभी तक कोई ईमेल नहीं पाया। आप अगर कंपनी की तरफ से बोलना चाहें तो फ्रॉम द कंपनी ये भी कह सकते हैं। तो पहला था हमारा सवाल कि तुमने अभी तक मुझे कोई ईमेल नहीं भेजा, और दूसरा है कि मैंने अभी तक कोई ईमेल नहीं पाया, मैंने कंपनी की तरफ से अभी तक कोई ईमेल नहीं पाया। अगर दोनों का सेंस देखा जाए तो दोनों के सेंस में कोई अंतर नहीं है। लेकिन पहला वाला सवाल ये कह रहा है कि पहला वाला क्वेश्चन ये कह रहा है कि तुमने मुझे अभी तक कोई ईमेल नहीं भेजा, यानी हम कंपनी पर आरोप लगा रहे हैं, कंपनी को कह रहे हैं कि भैया तुमने अभी तक मुझे कोई ईमेल नहीं भेजा जबकि तुम्हें भेजना चाहिए। और सेकंड वाला कह रहा है कि मुझे अभी तक कोई ईमेल नहीं मिला, मुझे कंपनी की तरफ से अभी तक कोई ईमेल प्राप्त नहीं हुआ। तो दोस्तों बताइए कौन सा सही है। आपके हिसाब से दोनों सही हो सकते हैं, लेकिन 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 शिष्टाचार ये कहता है, मैनर्स ये कहते हैं कि सेकंड वाला यूज़ करना चाहिए। कुल मिला के हमें सामने वाले पर आरोप नहीं लगाना चाहिए, हमें पूरा अपने ऊपर ले लेना चाहिए कि भैया मुझे अभी तक ईमेल नहीं मिला है, तुमने ईमेल नहीं भेजा ये नहीं बोलना है। भाई तुमने तो पूरी कोशिश की होगी अपनी तरफ से, तुमने, तुम्हारे एम्प्लॉय ने तो पूरा कोशिश किया होगा, लेकिन मुझे अभी तक वो ईमेल नहीं मिला है, हमें अपने ऊपर ले लेना है, हमने सामने वाले पर आरोप नहीं लगाना है। एक क्वेश्चन और, जैसे मान लो आपको कोई कंपनी कुछ सामान डिलीवर करने वाली थी, कोई सामान डिलीवर करने वाली थी, आपको नहीं मिला, समय बीतता जा रहा है, तो आप उससे एक क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, यू हैव नॉट डिलीवर्ड मी द थिंग येट, You have not delivered me the thing yet. Okay, एक सवाल ये है, एक क्वेश्चन ये है कि तुमने मुझे अभी तक वह चीज डिलीवर नहीं की है। और दूसरा है I have not received the thing yet. I have not received the thing yet. I have not got the thing yet. आप ये भी कह सकते हैं मुझे अभी तक वह चीज़ नहीं मिली है, मुझे अभी तक वह चीज़ नहीं मिली जो आप डिलीवर करने वाले थे, इसका सेंस निकल रहा है। तो दोस्तों आपको सेकंड वाला बोलना है, आपको कंपनी को ये नहीं बोलना कि भैया तुमने अभी तक वो सामान डिलीवर नहीं किया, क्या कर रहे हो आप लोग, ये तो लग रहा है हम लोग सामने वाले को डांट रहे हैं। आपको बिल्कुल नहीं कहना, आपको बल्कि ये कहना है कि मुझे अभी तक वो सामान डिलीवर नहीं हुआ है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आप जब भी कोई ऐसी बात करना चाहते हैं तो आप प्लीज़, ये मेनस कहलाता है, शिष्टाचार कहलाता है, हमें सामने वाले पर आरोप नहीं लगाना है, बल्कि ये कह देना भैया मुझे अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। हालांकि हम उसको कह रहे हैं कि वो चीज़ हमें जल्दी मिल जाए, वो चीज़ हमें जल्दी डिलीवर हो जाए, हमारा सेंस यही है, लेकिन शिष्टाचार कह रहा है, इसमें बहुत पोलाइटनेस भी नज़र आ रहा है, विनम्रता झलक रही है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया है। अब जब भी आपको इस प्रकार के सेंटेंसेस बनाना हो तो आप ध्यान देंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, बहुत से लोगों को शेयर करें, और चैनल में हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार में बहुत से टॉपिक लेके आने वाला हूँ जिसमें आपकी इंग्लिश सचमुच में डेकोरेटिव इफेक्टिव इंप्रेसिव रहेगी। और आपको पता है मेरा एक और चैनल है इंग्लिश डीम पाठशाला, जहाँ पर मैं शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करता हूँ इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड। मेरा एक और चैनल है डू मोटिवेट मी, जहाँ पर मैं दुनिया भर के कुछ ऐसे ऐसे तथ्य बताता हूँ, कुछ मोटिवेशन कहानी सुनाता हूँ जो एक मिनट के अंदर शॉर्ट्स में। वहाँ भी जाइए और अपने आप को मोटिवेटेड रखने में अपना योगदान दे सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। बस एक ही गुजारिश कि अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। थैंक यू।